लालगंज को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू की गई है। यह पहल स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह के प्रयास से शुरू हुआ है। इसी उद्देश्य से लालगंज नगर क्षेत्र के कई जगहों पर पर्यटन विभाग के अधिकारी जायजा लेने पहुंचे। शुक्रवार को बिहार पर्यटन विकास निगम के कार्यपालक अभियंता कमलेश शर्मा, कपूर एंड एसोसिएट्स के आर्किटेक्ट अभिषेक कुमार, विधायक संजय कुमार सिंह, नगर क्षेत्र में थाना रोड शहीद स्मारक, सिंहेश्वर ठाकुर स्मारक, श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा एवं गुरुद्वारा साहब का जीर्णोद्धार एवं विकसित करने को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया, जिससे योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराई जा सके। इस मामले में लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह ने बताया कि लालगंज में जो भी जगह चिन्हित किया गया है, उसके साथ साथ नगर परिषद कार्यालय के बगल में पोखर का भी सर्वांगीण विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भी वैशाली जिला पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी भी आकर सर्वेक्षण कर चुके हैं। इस मौके पर उपसभापति संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद नरेंद्र शर्मा, हिंदू पुत्र अमन कुमार, गुरुद्वारा संरक्षक प्रदीप कुमार, शिव नारायण महतो, अरुण कुमार, अमित कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, हमने जो पहले विभाग को लिख कर दिया था, अनुशंसा किया था, और उसके पीछे लगे थे। हर बैठकों में इस विषय को हम उठाते रहे हैं, तो इसके कारण जो है जिला पदाधिकारी भी यहाँ आकर के विजिट किए, यहाँ के सीईओ वीडियो सब लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए। और आज बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के वास्तुविद और उसके कार्यपालक अभियंता दोनों मेरे साथ आए हैं। यहाँ हम लोगों ने नानक शाही गुरुद्वारा, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम, इन सब चीज़ों के बारे में हमने फोकस किया था, चूँकि ये दोनों हमारे धरोहर हैं। और आज हमने इन लोगों को कहा है कि जो शहीद स्मारक है ठाकुर सिंहेश्वर जी का और इनका, तो वहाँ पे सिंहेश्वर ठाकुर जी का और विभीषण जी का, तो उन स्थानों पे जो है जा करके और उसका विकास किया जाए, ताकि हम अपने पुरखों को याद कर सकें और अपने विरासत की को संजो सकें, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। सर के अनुशंसा के आलोक में, कई एक बार सर ने बोला अनुशंसा किए, उसके आलोक में हम लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। विभिन्न स्थलों का दौरा भी किए साहब के साथ में। आगे हम लोग इस पर विस्तार से एस्टिमेट बना करके पुटअप करेंगे। पुटअप सर होगा या चर्चा ही या विजिट ही रह जाएगा? पुटअप होगा, काम होगी, धरातल पे काम होगी। क्या विकास का क्या योजना इसमें क्या देखा गया? सौंदर्यीकरण है, रेनोवेशन है, टॉयलेट ब्लॉक है, डिलक्स और यात्री निवास बनेगा गुरुद्वारा में, और श्रृंगी ऋषि आश्रम जी का पूरा कैनोपी मॉडल टाइप। वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, श्रृंगी ऋषि का मूर्ति और स्टैचू जो है कर देंगे नए तरीके से उसको। इसके अलावा भी कहीं और एक तालाब है नगर परिषद का, नगर भवन का, सर ने दिखाया, उसको भी हम लोग तीन तरफ से घाट बनाने का है, एक तरफ बना हुआ है, तीन तरफ से बनाने का, उसका भी हम आकलन कर लेंगे।